थ्योरम देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक सर्कल है यहाँ पे और एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, उसका नाम दे देते हैं पी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हम कितना टेंजेंट बना सकते हैं, दो टेंजेंट बना सकते हैं एक ही सर्कल पे। बाहर के पॉइंट से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, टेंजेंट यानी वो लाइन होती है जो सर्कल को छू कर निकलती है, जिसे आप हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हो, क्योंकि वो स्पर्श छू कर जाती है। तो हम इधर पे बनाते हैं एक लाइन, छू कर जाती है, देखिए खाली छू कर निकल जाती है। अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो एक ही पॉइंट पे छू कर जाती है, ओनली वन पॉइंट। देखिए इस पॉइंट को हम लेते हैं पी, ये लाइन भी एक टेंजेंट है, एक लाइन भी एक टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं एक ही सर्कल के ऊपर। अब थ्योरम क्या कह रहा है कि ये समझ लीजिए सेंटर है, नेक्स्ट ये जो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को छूता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम मैं ए ले लेता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु, किस बिंदु पर वो छू कर जा रहा है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इधर भी एक नॉइंट है तो इधर मैं क्यू ले लेता हूँ, इसको भी कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उसे कहते हैं जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को छूता है। अब आपको साबित क्या करना है, आपको साबित ये करना है कि जो AP और PQ हैं इन दोनों का माप बराबर है, ये माप और ये माप बराबर है, आपको साबित करना है। मीन्स AP और PQ का माप सेम है, ये आपको साबित करना है। साबित करने को कहेंगे टू प्रूफ। ठीक, तो गिवन में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, सेंटर क्या है ओ, तो इधर लिखेंगे सेंटर करस्पॉन्ड्स टू, जो तीन लाइन है ना, तीन लाइन, इसे करस्पॉन्ड्स टू कहते हैं, तीन लाइन पॉइंट। नेक्स्ट, ए पी इज अ टेंजेंट, ए पी और पी क्यू करस्पॉन्ड्स टू टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं। और P करस्पॉन्ड्स टू, P क्या है, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब बाहर का एक पॉइंट है, बाहरी बिंदु, बाह्य बिंदु। क्लियर, चलिए तो हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, हम O और A को ज्वाइन करते हैं। O और A को ज्वाइन किया, O और इसको ज्वाइन किया, और O और P को ज्वाइन किया। थोड़ा से हम गौर करेंगे बेटा तो इसमें इस बात को समझ सकते हैं कि जब भी हम सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लाइन को बनाते हैं तो वो लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। इफ यू ड्रॉ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देन दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, रचना। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ओ ए इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी हम ऐसा लिखेंगे ड्रॉ ओ ए, ड्रॉ ओ ए, और ड्रॉ नहीं लिखेंगे, चलिए इसे कट कर सकते हैं, ज्वाइन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए, ओ क्यू एंड ओ पी, हम ज्वाइन करते हैं। ठीक, चलिए प्रूफ करते हैं। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, और ओ ए पी को परपेंडिकुलर है, और ओ क्यू पी क्यू को परपेंडिकुलर है। क्यों, सर्कल की प्रॉपर्टी है। अभी हमने देखा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी टेंजेंट जहाँ सर्कल को छूता उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ज्वाइन करते हैं तो वो वाली लाइन टेंजेंट को 90 डिग्री बनाती है। इससे बात साबित हो गई। चलिए हम अभी दो ट्रायंगल उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ क्यू पी, एंड ट्रायंगल ओ क्यू पी, ये दो ट्रायंगल हैं। इस ट्रायंगल अगर देखेंगे तो जो ओ है, ओ ए है और ओ क्यू है, दोनों का माप सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही रेडियस के सर्कल है ना, ओ ए भी दो एक ही सर्कल के रेडियस है, जैसे ओ ए भी रेडियस है और ओ क्यू भी रेडियस है, तो एक ही सर्कल के कितने भी रेडियस हो उनका माप तो सेम ही होने वाला है।
तो मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू. वाई? बिकॉज देट इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है, इसके लिए उनका माप सेम होने वाला है. उसी तरह अब ये जो ट्राइंगल है ओ ए पी और ट्राइंगल ओ क्यू पी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इधर ऐसे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अब ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का बॉक्स दिख रहा है डब्बा, तो इसके सामने जो साइड है उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस. सेम इसी तरह ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये साइड है इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस. अब दोनों का हाइपोटेन्यूस कॉमन साइड है, तो मतलब क्या हो गया इक्वल हाइपोटेन्यूस ओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस ओपी. क्यों? दोनों कॉमन साइड है ना, एक ही ट्रायंगल के हैं, इसके लिए दोनों इक्वल हैं. देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ, चलिए तो ओ लिख देता हूँ, ओ क्यू पी. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अब दोनों ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसे हम हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम कहते हैं, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट कहते हैं. इस कहने का मतलब क्या, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का तरीका क्या है कि उनके हाइपोटेन्यूस इक्वल होने चाहिए. तो हमारा इधर हाइपोटेन्यूस इक्वल है क्योंकि कॉमन साइड है, और कोई भी एक साइड बचे, दो हाइपोटेन्यूस अगर हो गया तो दो साइड बच जाएंगे ट्रायंगल के, उन दोनों साइड में से कोई भी एक साइड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के साइड को इक्वल होना चाहिए. तो हमने ओ ए और ओ क्यू को इक्वल बता दिया क्योंकि वो रेडाई ऑफ सेम सर्कल है. इस तरह दोनों ट्राइंगल इक्वल है. अब दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो अगर दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग वाले. तो यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना था, ए पी और पी क्यू. तो देखिए ए पी और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. इस तरह देखिए जो ए पी और पी क्यू का माप सेम आएगा. तो ये थ्योरम क्या कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी एक ही सर्कल पे हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो दो टेंजेंट्स बनेंगे और दोनों के जो माप होंगे वो सेम होंगे, हेंस प्रूफ्ड. वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद. जय हिंद.